हेलो दोस्तों, मैं राहुल और मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी M42 5G। और आज के सेशन में जो है इसका OTG टेस्ट करेंगे। साथ साथ यहां पर जो है मेरे चैनल पे चल रहा है एक मेगा गिव अवे, जिस पर अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आई बटन पे उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, गिव अवे रूल्स को अच्छे से समझिएगा और आप जो गिव अवे पे पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो सिंपली जो है इस वीडियो को जो है फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दिया, जिससे जब भी मैं कोई नया अपडेट का आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, क्योंकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहता हूं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो लेट्स सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है पेन ड्राइव को कनेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं डिवाइस जो पेन ड्राइव को सपोर्ट करता है कि नहीं। मैंने पेन ड्राइव में OTG को कनेक्ट कर दिया। आप सिंपली जो है इसे करते हैं फोन के साथ कनेक्ट और यहां पर जो है थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं ये जो पेन ड्राइव को सपोर्ट करता है या नहीं। फिलहाल नोटिफिकेशन पैनल को नीचे करते हैं तो अभी भी इसने जो है पेन ड्राइव को सपोर्ट नहीं किया। अब जाके इसने जो है पेन ड्राइव को सपोर्ट कर लिया है। आप यहाँ पर देखेंगे USB स्टोरेज एडिट बोलकर ऑप्शन आता है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो फाइल मैनेजर पर रिडायरेक्ट कर देता है और ये देख पाएंगे USB स्टोरेज 1 लिखा हुआ आ रहा है और मेरे जो है सारे वीडियो यहाँ पर आ गए हैं। तो एक वीडियो में जो है फिलहाल प्ले कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है मैंने वीडियो प्ले कर लिया, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और वीडियो को मैं कहीं पर भी कट कर रहा हूँ बड़े आराम से यहाँ पर कट हो रहा है, कोई भी बफरिंग लैग वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये जो है पेन ड्राइव को सपोर्ट करता है। सो गाइज, अब चेक करते हैं ये डिवाइस जो हार्ड ड्राइव को सपोर्ट करता है कि नहीं। मेरे पास लेनोवो का 1 TB का हार्ड ड्राइव है और मैंने यहाँ पर जो है इसमें OTG को कनेक्ट कर दिया। ऑप्शन पे जो है इसे फोन के साथ कनेक्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो हार्ड ड्राइव का सपोर्ट है कि नहीं। मैंने कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर जो है हार्ड ड्राइव में कोई भी जो है हलचल एज यूजुअल नहीं हो रहा है, लाइट ब्लिंक कर रहा है बट कोई भी यहाँ पर जो है रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है। हार्ड ड्राइव पे देख पा रहे होंगे लाइट जो है ब्लिंक कर रहा है बट यहाँ पर जो है कोई रिस्पॉन्स हार्ड ड्राइव पे नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पर जो है हल्का सा वाइब्रेट होना चाहिए, अब यहाँ पर जो है वाइब्रेट हो रहा है बट अनफॉर्चुनेटली ये जो हार्ड ड्राइव को सपोर्ट नहीं करता है। जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे टैप टू फिक्स का ऑप्शन आ गया, मतलब ये जो है NTFS फॉर्मेट वाले हार्ड ड्राइव को बिल्कुल ही नहीं सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर जो है ये हार्ड ड्राइव को सपोर्ट नहीं करता है। बात करते हैं रिवर्स चार्जिंग की, तो ये डिवाइस जो है रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस फोन से जो है मैं अपने प्राइमरी फोन को जो है चार्ज कर रहा हूँ और ये जो है चार्ज हो रहा है, यानी कि ये डिवाइस जो है रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अब जो है चेक करते हैं ये डिवाइस जो है कीबोर्ड माउस को कनेक्ट करता है या नहीं। मेरे पास यहाँ पर वायरलेस कीबोर्ड माउस का कॉम्बिनेशन है। आप चाहे तो वायर कीबोर्ड वायर माउस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बट कुछ कुछ वायर कीबोर्ड और वायर माउस जो है पावर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, हो सकता है वो आपके डिवाइस में कनेक्ट ना हो। और वायर कीबोर्ड वायर माउस का एक ही जनरेट होता है, आपको एट अ टाइम या तो कीबोर्ड कनेक्ट करके रखना है या तो माउस। मैं इससे बढ़िया आपको बोलूँगा वायरलेस कीबोर्ड माउस का कॉम्बिनेशन बाय कर लीजिए अगर आपका डिवाइस जो है वायरलेस कीबोर्ड माउस को सपोर्ट करता है, जिससे जो है आप दोनों को एक साथ यूज़ कर पाएगा। तो यहाँ पर जो है चेक कर लेते हैं, मेरे पास इस तरीके का जो है USB रिसीवर है वायरलेस कीबोर्ड माउस का और इसे जो है OTG के जरिए फ़ोन में कनेक्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो कीबोर्ड माउस का सपोर्ट है कि नहीं। तो फिलहाल जो है अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन पैनल नीचे करते हैं तो अभी तक जो है कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है एज यूजुअल, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बट फिर भी एक बार जो है मैं खुद से ही चेक करना चाहूँगा यहाँ पर जो है माउस लाकर, तो यहाँ पर जो है ये सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे माउस कर्सल में अगर प्ले स्टोर ओपन करता हूँ तो ये देख पा रहे होंगे प्ले स्टोर ओपन हो चुका है और मैं स्क्रोल भी कर रहा हूँ बड़े आराम से, यहाँ पर जो है ऑप्शन हो रहा है। और अब जो है सर्च को भी देख लेते हैं, यहाँ पर जो है मैं सर्च करने वाला हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे कोई भी कीबोर्ड ओपन नहीं है। तो मैं यहाँ पर जो है PUPG, अच्छा यहाँ पर तो UPG हो गया जी, P जो है पहले टाइप नहीं हुआ था। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है टाइप हो रहा है, टाइपिंग में कोई इशू नहीं हो रहा है एज यूजुअल। तो यहाँ पर जो है कीबोर्ड माउस को ये काफ़ी अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है, आप यहाँ पर जो है कीबोर्ड माउस का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। सो गाइज, अब चेक करते हैं ये जो है USB हब के जरिए पेन ड्राइव को कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट कर पाता है कि नहीं। मैंने USB हब में जो है OTG को कनेक्ट कर दिया। आप सिंपली जो है इसे फ़ोन के साथ करते हैं कनेक्ट और देखते हैं यहाँ पर कनेक्ट होता है कि नहीं। USB हब का लाइट तो ब्लिंक हो गया है और नोटिफिकेशन पैनल को अगर नीचे करते हैं तो यहाँ पर अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर जब नोटिफिकेशन आ चुका है तो स्टोरेज पे जाते हैं और यहाँ पर USB 1 स्टोरेज आ गया है। मैं जो सेम वीडियो प्ले करके आपको दिखा देता हूँ, तो देखिए प्ले हो रहा है, कहीं पर भी कट कर रहा हूँ कोई भी इशू नहीं हो रहा है। तो यानी कि USB आपको काफ़ी अच्छे तरीके से सपोर्ट किया है। और इनफैक्ट अब मैं जो है माउस को चेक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर जो है माउस का कर्सल भी आ चुका है। प्ले स्टोर ओपन करते हैं, यहाँ पर देख पाएंगे स्क्रॉल कर रहा हूँ बढ़िया आराम से हो रहा है। कीबोर्ड पर आते हैं, यहाँ पर जो है R टाइप करते हैं तो यहाँ पर R भी टाइप हो रहा है और कट करते हैं। तो ये जो है USB आपको काफ़ी अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहा है। और मेरे पास यहाँ पर जो और एक पेन ड्राइव है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे ये जो है
कार्ड रीडर है बेसिकली। तो देखते हैं ये जो कार्ड रीडर को सपोर्ट करते हैं, नहीं कार्ड रीडर में मैंने जो है मेमोरी कार्ड लगा कर रखा है और इसको जो है कनेक्ट करते हैं पेन ड्राइव, कार्ड रीडर दोनों को एक साथ सपोर्ट करते ही नहीं, तो मैंने लगा दिया है। नोटेशन पैन को नीचे करते हैं तो देखिए यूएसबी स्टोरेज एडेड हो गया। तो यहाँ पर जो है आप देख पाएंगे यूएसबी स्टोरेज 2 दिखा रहा है, और अगर मैं होम पे आता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो है 1 और 2 दो यूएसबी स्टोरेज है। 1 में अगर मैं जाता हूँ तो ये मेरा पेन ड्राइव है जो कि वीडियो वगैरह रखा हुआ है, और ये 2 जो कि मेरा यहाँ पर जो है कार्ड रीडर है जहाँ पर जो है बेसिकली वीडियोज़ वगैरह छोटे मोटे हैं। तो बेसिकली ये जो है एक साथ 2 पेन ड्राइव को कड़ी बड़े आराम से सपोर्ट करता है, कोई भी इशू नहीं होता है। साथ साथ कीबोर्ड माउस को भी आप यहाँ पर जो कनेक्ट कर सकते हैं यूएसबी हब के जरिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को सैमसंग गैलेक्सी M42 5G का OTE टेस्ट वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिएगा, साथ साथ चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दिया, जिससे जब भी मैं कोई नया अपडेट का आपको जो पहुंच जाए, क्योंकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहता हूं। और इस फोन से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है फिर कोई भी क्वेरी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, जहां पर मैं काफी ज्यादा एक्टिव रहता हूं। इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करने का एक फायदा होगा, डायरेक्टली आप उनसे कम्युनिकेट कर पाएगा, चैट कर पाएगा, स्क्रीनशॉट वीडियो रिकॉर्ड करके भेजिएगा, जिससे मैं आपके प्रॉब्लम को सोल्यूशन इजीली कर पाऊंगा। तो इंस्टाग्राम अकाउंट को डेफिनेटली फॉलो कर लिया। सो फ्रेंड, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में एक नए कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए यूं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए RJ टेक्निकल के साथ।